भूख लग रही। इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि खाती नहीं है, जब बाहर निकलती है तो इसको भूख लग जाती है, लेकिन इसको खाना मिलता है वो ही रात को वो भी कभी अच्छा और कभी बुरा। पर अभी हम लोग करेंगे ब्रंच और अभी हम जा रहे हैं एक डिजाइनर के पास, काकू को कुछ काम है वहाँ से, फिर हम करेंगे वहाँ से लंच ब्रंच, फिर आएंगे घर और फिर आके हम होंगे तैयार, और तैयार होने के बाद फिर हम निकलेंगे आगे की तरफ। अच्छा मौसम है, ठीक है, सर्दी नहीं है, ख़त्म हो गई सर्दी लाहौर में, तो अब मोटे मोटे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, आराम से नॉर्मल कपड़ों में आप फिर सकते हो। तो वो जो एक सर्दी का दौर था जो काकू ने देखा, वो बहुत करी थोड़े दिन पहले आई थी और इतनी सर्दी थी तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो हमारा जो दौर था ना हमारा दौर अब ख़त्म हो गया, मतलब सुकून हो गया, बाहर निकल रहे हम लोग। और मम्मा को हम ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह रात को, और फिर वहाँ जाके बहुत सारे लोगों को और ज्वाइन करना है, सबसे मिलना है। आज फ्लावर्स की, वाह वाह वाह, ये देखिए कितना से आगे पूरी फ्लावर्स शॉप। ये अच्छा लग रहा है क्योंकि हाँ वो ग्रीन वाले हैं, बहुत से थे देख लो। हाँ तुम वैसे भी बड़ा पहनते हो ना, आई थिंक मम्मा कार ये अल्लाह खैर। भाई भाई सलाम भाई, हेलो वालेकुम सलाम भैया, कैसे हो जी? काकू ठीक है भाई, अभी भी पहुँचे हैं डिज़ाइनर के पास काकू का ये ड्रेस उठाने। हाँ बताया था ना, और भाई तैयार होके निकलेंगे 6 बजे, ठीक है? चलिए काकू काकू डिसाइड करेंगे उसको क्या पहनना है, और दिखाओ दिखा। हाँ ये अच्छा है पर ये बहुत लूज है, इसको ट्राई कर लो, लेकिन पहन के देखो आई थिंक अच्छा लगे पहन के। व्हाइट वाला नहीं करना जी। इस वक्त मैं अंबर गौहर के आउटलेट पे हूँ, और काकू अक्सर इनका शूट करने के लिए लाहौर आती है, और माशाल्लाह इनके कलेक्शन पे इंतहा खूबसूरत है। और हम यहाँ आकर काकू का काम था, उसको ज़रा यहाँ से ड्रेस लेने थे, बाकी इनका कलेक्शन है, और ये भी काकू ने स्टिल किया है इनका शूट, और साथ साथ ये यहाँ पर एक और जो ड्रेस था वो भी बहुत अच्छा था, गुलबर्ग मेन में इनका आउटलेट है। बाकी जगहों का ड्रेस अगर आप देखेंगे अंबर गौहर का तो आपको आई थिंक पता चल जाएगा,
तो मैंने कहा था आपको दिखा दूँ, फिर अगर आप लोगों को भी लाहौर अगर कोई वेडिंग के हिसाब से कोई पार्टी वेयर के हिसाब से कोई भी ड्रेस लेना है तो आप लोग यहाँ आ सकते हो। और बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत इनका काम है। काकू ने आई थिंक दो लिए ना काकू, दो लिए हैं। और ये इनकी ब्रांड एम्बेसडर कह रही है कि ये तो हमारे साथ काफ़ी काम करती है, काकू जब भी आती है लोग लाहौर तो इनका ही शूट कर रही होती है। तो खैर मैंने कहा ज़रा साथ साथ आपको ये भी दिखा दूँ। और ये रिश हमारी कुकू जिसके कपड़े उठाने के लिए हम लोग अभी यहाँ आए थे, सो हमारा ये काम हो गया। और इसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे लंच के लिए, लोग यहाँ से जाएंगे घर। घर के बाद फिर हम लोगों ने तैयार होना है फिर निकलना शादी के लिए। और मैंने कहा साथ साथ आपको कलेक्शन भी दिखा दूँ कि जो इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद है। और मैं कपड़ों के लिए आई थी स्पेशल। जी हम लोग पहुँच गए हैं ब्रंच के लिए। ये कौन सी जगह है? खुशिया। आई डोंट नो, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। पर काकू को बस ये पता है कि काकू यहाँ माशाल्लाह काम करती है तो उसको अगर आइडिया होता है खुशिया। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग अभी ब्रंच करेंगे। एक जगह और ये सिर्फ कॉल की थी, कौन सी जगह थी वो? पावलास। पता नहीं कौन कौन से नाम है भाई, हैप्पी वैलेंटाइन डे के हिसाब से यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। और खुशिया हम लोग आ गए तो यहाँ से ज़रा अंदर चलते हैं। हाँ हाँ इंडोर, चलो थोड़ा सा व्यू दिखाऊँ मैं आपको क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो वालसलाम साहब, थैंक यू। अल्लाह खूबसूरत व्यू है काकू। यहाँ पता नहीं ये लगे ना लगे, यहाँ म्यूज़िक लगा हुआ है, मैं छोटा सा बना लेती हूँ। हम लोग यहाँ पहुँच गए और खूबसूरत सा इनका एक एटमॉस्फेयर है। चले ये क्या आ गया स्टार्टिंग और इस सेटिंग एरिया इनका। मैं आपको थोड़ा थोड़ा व्यू दिखा दूँ और अब करते हैं ब्रंच। शुक्र है हमने थोड़ी देर बंद कर दिया। और ब्रंच करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। काकू ऑर्डर देगी क्योंकि मुझे तो नहीं पता, भूख लगी है, जल्दी से ऑर्डर काकू देगी। काकू की पसंद अच्छी है, काकू ही हर जगह ऑर्डर देती है। मैंने आज तक कहीं खाने का ऑर्डर नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया। ये रहे हम और हम आ गए यहाँ जहाँ हमें काकू कराएगी ब्रंच। यस पता नहीं सैलेड है अगर चमचे की कमी है तो चमचे हाथ ही रहे। हाय हाय, मत मजे के चमचे सब ऐसे चमचे सियासत में भी है जो आपस में गठ जोड़ कर रहे हैं कि कहाँ हुकूमत बनेगी। पर हुकूमत बन जाए अल्लाह करे, इलेक्शन कब से ख़त्म हो गए। और ये सबसे खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह में मौजूद हूँ। बाहर का व्यू बहुत हसीन है, चारों तरफ बहुत अच्छा है। लेकिन गलत भी हो गया, हम दोबारा से चाइनीज रेस्टोरेंट में आ गए हैं। और इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है काकू? खुशिया। हम खुशिया बैठे हैं, ठीक है चले चले जी। मेन्यू आ गया और ये स्टफ इनकी सर्विंग। वाओ एक सेकेंड, फाइनली खाना आ चुका है। ये क्या है काकू? पता नहीं जो जो ये बीफ ड्राई है कुछ। अरे बीफ में है, ये चिकन में है, साथ में राइस है, साथ में जूस है। खूबसूरत सा एटमोसफियर है, खाना आ गया। कैसे पता नहीं, खाते बताएंगे। लेकिन फाइनली अब हम ब्रंच लंच नाश्ता शॉप जो भी सब कुछ साथ कर रहे हैं। इसके बाद हम यहीं से फिर वापस होंगे क्योंकि हम इसके बाद घर जाएंगे। अब यहाँ से फिर हम लोगों ने रात को कहीं और जाना है, वहाँ की वीडियो अलग होगी। लेकिन यहाँ से फिलहाल इस जगह से, इस खूबसूरत जगह से मुझे और महानूर को ब्लॉग से फिर वापस खाना इंजॉय करेंगे और खाना खाएंगे अपने यहाँ से खाएंगे।
ट्रेंड आ रहा है, आप लोग भी खाओ। तो जी जादू हो गया है, खाना सारा गायब हो गया है। काकू कैसा खाना था हैं? खाना बहुत अच्छा था, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि खाना, और सर्विंग भी बहुत ज़्यादा थी। देखे मैंने भी काफ़ी खा लिया है और बल्कि बच गया है जो हमने पैक भी कराना है, हमने बोल दें इनको पैक करा दें। तो खाना बहुत अच्छा था, यहाँ से ऐसे ही घुमा देते हैं। मैंने हाथों से खाया, मैं किसी होटल में भी जाती हूँ, मसला ये चम्मच से नहीं खाया जाता, हाथों से खाया। लेकिन खाना टू गुड, लाहौर आए तो यहाँ ज़रूर आए, फैमिली को लाए, ये पब्लिक सिटी नहीं है, फ्री में नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन अच्छा खाना है। हाँ बीबी, हाँ बीबी, हाँ बीबी, हैप्पी वैलेंटाइन डे। चले जी, हाफिज़।